दोस्तों टेक्निकल जंक्शन के लेटेस्ट वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ Realme 2 Pro के बारे में। Realme 2 Pro की की स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है, Realme 2 Pro आपको आपके पैसे की पूरी वैल्यू प्रोवाइड करता है या नहीं, ये फोन आपको खरीदना चाहिए या नहीं, इन सारी चीजों के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं लाता हूँ आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही डिटेल में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहल, आप देख रहे हैं टेक्निकल जंक्शन। तो चलिए जानते हैं Realme 2 Pro के बारे में। दोस्तों ओप्पो ने Realme सीरीज का लेटेस्ट स्मार्टफोन Realme 2 Pro लॉन्च कर दिया और डेफिनेटली Realme 2 Pro इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में बजट सेगमेंट के अंदर एक बहुत ही बड़ा सक्सेस होने वाला है, क्योंकि Realme 2 Pro आपको प्रोवाइड करता है बहुत ही कमाल के स्पेसिफिकेशंस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। दोस्तों Realme 2 Pro की तीन वेरियंट लॉन्च की गई है, पहला है 4GB RAM और 64GB स्टोरेज, दूसरा है 6GB RAM और 64GB स्टोरेज, और तीसरा वेरिएंट है 8GB RAM और 128GB स्टोरेज, जिसमें कि 4GB RAM वाले वेरिएंट की प्राइस है 13,990 रुपए, 6GB RAM वाले वेरिएंट की प्राइस है 15,990 रुपए, और 8GB RAM वाले वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 17,990 रुपए। चलिए अब Realme 2 Pro के कुछ की स्पेसिफिकेशंस के बारे में थोड़े डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात Realme 2 Pro के बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों Realme 2 Pro में जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया है वो है इसकी डिजाइन। Realme 2 Pro में आपको कमाल की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है और जो आपको हाथों में इसकी फील आएगी वो बहुत ही प्रीमियम फील आएगी। Realme 2 Pro की जो बॉडी है वो बिल्कुल मेटल की है और पीछे की ओर इसमें आपको एक शाइनी ब्लैक पैनल मिलता है जो कि देखने में एक ग्लास फील देता है आपको, लेकिन वो एक्चुअली बना है पॉलीकार्बोनेट से। मतलब Realme 2 Pro की जो बैक पैनल है वो बनी है पॉलीकार्बोनेट से, मतलब एक प्लास्टिक से, और इसी प्लास्टिक के कई लेयर्स को ओप्पो ने बहुत ही इंटेलिजेंटली यूज किया है जिससे कि एक आपको ग्लास वाला फील मिले जो कि अभी प्रीमियम स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलता है, और ये ग्लास फील सच में Realme 2 Pro के केस में बहुत ही प्रीमियम फील प्रोवाइड करता है। दोस्तों अब बात Realme 2 Pro के डिस्प्ले के बारे में। इस फोन में आपको मिलता है 6.3 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले और इस 6.3 इंच के टॉल डिस्प्ले के साथ नॉच सपोर्ट भी देखने को मिलता है, और इस नॉच की जो मजेदार बात है वो ये है कि इसमें आपको कॉन्वेंशनल बड़ा सा नॉच देखने को नहीं मिलता, इसमें आपको एक बहुत ही छोटा सा वाटर ड्रॉपलेट स्टाइल वाला नॉच देखने को मिलता है जो कि आपके Realme 2 Pro को बहुत ही प्रीमियम फील प्रोवाइड करता है। दोस्तों इसके साथ ही जो इसमें बेजल्स यूज किए गए हैं थैंकफुली वो बहुत ही छोटे हैं, पतले हैं, और साइड में तो आपको बिल्कुल भी बेजल्स देखने को नहीं मिलेगा, नीचे आपको एक पतली सी चिन देखने को मिलती है, और इस कारण से Realme 2 Pro में सामने की ओर आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन ही देखने को मिलता है। मतलब एक आप कह सकते हो कि आपको कंप्लीट बेजललेस तो नहीं, एक बिल्कुल ही छोटा सा नॉच मिलता है, लेकिन फिर भी फुल्ली बेजललेस फोन आपको मिलता है बहुत ही कम प्राइस में। दोस्तों अब अगर इसके डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूं तो इसमें जो डिस्प्ले यूज किया गया उसमें कलर्स बहुत ही विविड और बहुत ही पंची दिखते हैं, और साथ ही इसकी डिस्प्ले बहुत ही शार्प है, इसीलिए अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में भी Realme 2 Pro को यूज करते हो तो वहां पे भी आप बिल्कुल अच्छे से बिना किसी प्रॉब्लम के उस डिस्प्ले को देख पाओगे। दोस्तों Realme 2 Pro में जो डिस्प्ले यूज की गई है वो अभी तक Realme सीरीज की बेस्ट डिस्प्ले, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए Realme 2 Pro में Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं Realme 2 Pro में यूज किए गए चिपसेट के बारे में, क्योंकि किसी भी स्मार्टफोन में जो चिपसेट यूज होता है वो उस स्मार्टफोन का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में से एक होता है। दोस्तों Realme 2 Pro में यूज किया गया स्नैपड्रैगन का 660 SoC और इस स्नैपड्रैगन 660 को कपल किया गया 4GB, 6GB और 8GB RAM के साथ, और इसी अच्छे कॉम्बिनेशन के कारण Realme 2 Pro बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। दोस्तों स्नैपड्रैगन 660 अभी प्रेजेंट टाइम पे बजट स्मार्टफोन के लिए बेस्ट अवेलेबल प्रोसेसर है, और इस कारण से Realme 2 Pro में आप PUBG जैसे हाई एंड गेम्स का मजा ले सकते हो बिल्कुल हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन पे, वो भी बिना किसी लैग के। दोस्तों स्नैपड्रैगन के 660 के जो सबसे मजेदार बात है वो ये है कि क्योंकि ये AI बेस्ड प्रोसेसर है इसलिए इस प्रोसेसर की जो पावर हैंडलिंग और जो टास्क हैंडलिंग कैपेसिटी वो कमाल की है, इसी कारण से ये प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा पावर एफिशिएंट होते हैं। पावर एफिशिएंट होने का आपको फायदा ये होता है कि अगर इन प्रोसेसर्स के साथ आप किसी लो लेवल कैपेसिटी वाले बैटरी का भी यूज करते हो तो वहां पे जो आपको बैटरी बैकअप मिलेगी वो बहुत ही अच्छी मिलेगी, क्योंकि वो प्रोसेसर जितने भी टास्क हो रहे हैं उसको बहुत ही अच्छे से मैनेज करता है। दोस्तों Realme 2 Pro में यूज किया गया 3500 mAh की बैटरी, और ये बैटरी भी आपको कमाल की बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा क्योंकि इसके साथ यूज किया गया स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर। दोस्तों अब लास्ट में बात करते हैं Realme 2 Pro के कैमरा के बारे में। Realme 2 Pro में आपको मिलता है 16+2 megapixel का ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप। 16+2 megapixel ये थोड़ा और इम्प्रूव किया जा सकता था, पर्सनली मैंने 16+5 megapixel का ड्यूअल कैमरा सेटअप एक्सपेक्ट किया था, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो कैमरा सेंसर्स यूज हुए हैं वो बहुत ही अच्छे सेंसर्स हैं। IMX3998 कैमरा सेंसर्स यूज किया गया Realme 2 Pro में, और इससे पहले ये सेंसर यूज किए गए थे OnePlus 5 और OnePlus 5T में,
और क्योंकि कैमरा सेंसर बहुत ही अच्छा है, इसलिए थोड़े कम मेगापिक्सल होने के बावजूद भी Realme 2 Pro में जो आपको कैमरा क्वालिटी मिलती है वो बहुत ही अच्छी मिलती है। और साथ ही इसके कैमरा में आपको AI फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, और इसीलिए आप यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स यूज कर पाओगे, और साथ ही साथ इसमें कई सारे लाइटिंग इफेक्ट्स भी आप चेंज कर सकते हो। मतलब आप जब फोटो क्लिक कर रहे हो, आप जब इमेज क्लिक कर रहे हो, उसी टाइम पे आप अपने फोटो में लाइटिंग इफेक्ट को चेंज कर सकते हो इसके AI फीचर्स के मदद से। दोस्तों अब अगर बात करें लो लाइट कैमरा फोटोग्राफी की, तो यही एक ऐसा फैक्टर है जहां पे Realme 2 Pro में इंप्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर आप लो लाइट में किसी फोटो को क्लिक करते हो, उस फोटो में आपको बहुत ज्यादा नॉइज देखने को मिलेगा, और ये बहुत ही बुरी बात है। और उम्मीद ये करता हूं कि आने वाले दिनों में सॉफ्टवेयर अपडेट्स के मदद से इसमें कुछ हद तक चेंजेस, कुछ हद तक सुधार किए जाएंगे। दोस्तों अगर इसके सेल्फी कैमरा की बात करूं, तो इसमें मिलता है आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, और ये कैमरा भी AI इनेबल्ड है। इसमें भी आपको कई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर्स देखने को मिलेंगे, और फ्रंट कैमरा बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। दोस्तों अगर इसके वीडियो कैमरा की बात करें, तो इसमें जो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी मिलती है, और साथ ही साथ इसमें आप 4K वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हो। लेकिन 4K वीडियो के केस में जो आपको वीडियो क्वालिटी मिलेगी वो बहुत ही एवरेज मिलती है, और साथ ही इसमें कोई भी स्टेबलाइजेशन का यूज नहीं किया गया है, इसीलिए पॉसिबिलिटी ये है कि आपने जो वीडियो शूट किया है वो आपको हिलता हुआ दिखाई पड़े। दोस्तों ओवरऑल अगर इस प्राइस रेंज में कैमरा ऑप्शंस की बात करूं, तो Realme 2 Pro में जो कैमरा यूज किया गया है वो एक अच्छा कैमरा है। दोस्तों मेरे पर्सनल ओपिनियन में Realme 2 Pro डेफिनेटली इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के अंदर एक बहुत ही बड़ा सक्सेस होने वाला है, या यूं कह लीजिए इस साल का बेस्ट बजट स्मार्टफोन Realme 2 Pro हो सकता है, जहां पे आपको मिलता है वाटर ड्रॉपलेट नॉच, स्नैपड्रैगन का 660 और एक बहुत ही प्रीमियम डिजाइन मात्र 13,990 रुपए में। दोस्तों अगर इसके 6GB और 64GB स्टोरेज वाले की बात करें, तो वहां पे भी जो 6GB रैम वाले वेरिएंट की प्राइस है, उसकी प्राइस है 15,990 रुपए, और इस प्राइस रेंज में 6GB रैम मिलना भी बहुत बड़ी बात है। और सेम अप्लाई होता है 8GB और 128GB स्टोरेज के साथ, क्योंकि अभी तक किसी स्मार्टफोन ब्रांड ने 17,000 और 18,000 के रेंज में ना तो 8GB रैम प्रोवाइड किया है और ना ही 128GB की स्टोरेज प्रोवाइड करी है। तो दोस्तों अगर आप Realme 2 Pro खरीदना चाहते हो, तो मेरे तरफ से एक बड़ा थम्स अप है, क्योंकि इस फोन में लो लाइट फोटोग्राफी के अलावा कोई और वीक फीचर मुझे देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको Realme 2 Pro के बारे में सारा कुछ समझ आया होगा कि इस फोन में आपको क्या क्या मिलने वाला है, और ये आपको आपके पैसे की पूरी वैल्यू कैसे प्रोवाइड करता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें वीडियो, या फिर मेरे चैनल रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऐसे ही मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए रोजाना लेके आता रहता हूँ।